सुज़लोन एनर्जी ये शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों से धमाल मचाए हुए है। कुछ समय पहले तक इस शेयर की गिनती पैनी स्टॉक्स के रूप में होती थी, लेकिन अब ये शेयर निवेशकों की रडार पर है। इस शेयर ने निवेशकों को रिटर्न भी अच्छा दे रहा है। बुधवार को फिर से सुज़लोन एनर्जी में अपर सर्किट लग गया। बुधवार को सुज़लोन एनर्जी का शेयर 5% चढ़कर 22 रुपए के करीब बंद हुआ। पिछले 5 दिन में ये शेयर 12% मजबूत हुआ है। 6 महीने में ये शेयर 160%, तो 1 साल में 172% मजबूत हुआ है। 3 साल में ये शेयर 453% बढ़ा है। इन आंकड़ों से यही साबित होता है कि 3 साल में सुज़लोन ने निवेशकों का पैसा 4 गुना से ज्यादा कर दिया। अगर किसी निवेशक ने 3 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 1,05,53,000 रुपए हो जाता। सुज़लोन एनर्जी का भाव अभी 6 साल के ऊपरी स्तर पर है। एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट ओशो कृष्णन के मुताबिक सुज़लोन का शेयर ओवरबॉट टेरिटरी में है, यानी शेयर का भाव फेयर वैल्यू से ऊपर चला गया है। 15 रुपए पर शेयर पर सपोर्ट है, वहीं 17 रुपए पर आए तो नई खरीदारी के मौके बनेंगे। 24 रुपए शेयर के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। प्रभुदास लीलाधर के टेक्निकल रिसर्च वैशाली पारेख के मुताबिक 25 रुपए के स्तर को शेयर के लिए एक बड़ी बाधा है। 21 रुपए के स्तर पर कई बार शेयर में मुनाफा वसूली देखी गई है। 25 रुपए के स्तर को अगर ये शेयर तोड़ता है तो शेयर फिर 29 रुपए के स्तर को छू सकता है। ये तो रही शेयर की तकनीकी बात। अगर शेयर के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का कारोबार दुरुस्त है। कंपनी विंड एनर्जी के कारोबार में है, जिसका फ्यूचर काफी डिमांडिंग है। यही वजह है कि कुछ ही महीने में कंपनी की ऑर्डर बुक दोगुनी हो गई है। कंपनी ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरे भारत में इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी का 33% सुज़लोन के पास है। 20 गीगावाट की कंपनी की विंड पावर ऑपरेशन कैपेसिटी है, जो कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। हाल ही में QIP के जरिए कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज कम करने और आम कॉर्पोरेट खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। साल 2023 कंपनी के लिए अच्छा साबित हो रहा है, लेकिन कंपनी ने लंबा बुरा दौर भी देखा है। कंपनी की शुरुआत 1995 में हो गई थी। कंपनी ने साल 2005 से दुनिया भर में अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाने की कोशिश की और 5 साल में कंपनी टॉप 6 ग्लोबल ऑनशोर टर्बाइन मेकर्स में से एक बन गई। अपनी इस जर्नी के दौरान कंपनी ने जर्मनी के रिपावर और बेल्जियम के गियर बॉक्स मेकर एंसन ट्रांसमिशन जैसी कंपनियों को खरीदा। कारोबारी साल 2009 तक सुज़लोन का रेवेन्यू 26,000 करोड़ से ज्यादा हो गया था। कंपनी को 1600 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद US विंड फर्म्स में सुज़लोन की मशीनों के कुछ ब्लेड्स टूट गए थे और ग्लोबली इसका मार्केट भी क्रैश हो गया। कंपनी ने फिर एक रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम की कोशिश की थी, लेकिन इस घटना की व्यापक रूप से पश्चिमी मीडिया और भारत में रिपोर्ट की गई। इसके कारण कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2010 में 68,000 करोड़ रुपए से घटकर मात्र 8,000 करोड़ रुपए हो गया। इसके बाद सुज़लोन को बिजनेस में काफी नुकसान हुआ और कंपनी को कर्ज चुकाने में असमर्थता के कारण 5 बार डेट रिस्ट्रक्चर करना पड़ा था। कंपनी की स्थिति खराब हो गई थी। फिर सन फार्मा के प्रमोटर दिलीप सांघवी सुज़लोन के लिए मसीहा बनकर आए। साल 2015 में दिलीप सांघवी ने 1800 करोड़ रुपए लगाकर 23% हिस्सेदारी को खरीद लिया था। इसके बाद सुज़लोन ने लोकल मार्केट पर फोकस और लागत कम करने पर जोर दिया। अब कंपनी का कारोबार फिर से पटरी पर लौट रहा है। ये रिपोर्ट हमने आपको आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको इसी शेयर में अगर खरीदारी करनी है तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।